अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब साथियों। यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर कतर से आ रही है, वोडाफोन ऑफर यूनिक एप्पल वॉच ट्रेड इन प्लान। दोस्तों, वोडाफोन कतर जो है वो एक अपॉर्चुनिटी निकाला है कस्टमर के लिए। तो साथियों, आपको मैं बता दूं, जिसके पास पुराना एप्पल वॉच है, यहाँ पे दोस्तों जैसे लिखा हुआ ट्रेड इन देयर ओल्ड एप्पल वॉच फॉर लेटेस्ट, यदि आपके पास कोई पुराना ये एप्पल वॉच यदि आपके पास है तो आप उसका नया एप्पल वॉच उसे चेंज करवा के ले सकते हैं, कुछ पेमेंट आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वॉच नई वाली जो आई है, वॉच सीरीज 5, इसमें GPS भी होगा प्लस सेलुलर भी, मतलब तो उसमें GPS भी लगा होगा प्लस उसमें आप फ़ोन वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा स्टेटमेंट जारी किया गया। तो दोस्तों, यदि आपके पास किसी शख्स के पास यदि आपके पास कोई पुराना वॉच है तो आप GPS प्लस कॉलिंग वाला आप वॉच आप ले सकते हैं, वो एप्पल कंपनी का होगा। उसमें दोस्तों स्क्रीन भी बहुत बड़ी होगी और देखने में काफ़ी दोस्तों वो अट्रैक्टिव भी होगा। अगली खबर साथियों जो आ रही है, क्वारंटाइन वॉलेशन। तो साथियों, 8 लोगों को फिर से होम क्वारंटाइन का उल्लंघन वॉलेटिंग करने यानी उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी हैव अरेस्टेड 8 पीपल हु वॉलेटेड रिक्वायरमेंट फॉर द होम क्वारंटाइन। तो साथियों, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने होम क्वारंटाइन का उल्लंघन किया, जिसका वॉलेशन किया है। तो वो साथियों कौन कौन है वो देख आपको बताता हूँ। तो पहला का नाम है दोस्तों मंसूर हैदी हजाज अल सहवानी अल हजरी, दूसरा है अहमद अब्दुल अजीज़ मोहम्मद अब्दुल्ला मारफिस, मुंगर मनन ब्लिच फ्ली जबेली जुबा फले हदी फहद अल सहवानी अल हजरी मोहम्मद मुबारक मोहम्मद अल रखैला अल मारी एंड अब्दुल रहमान साले अल अब्दाद अल आजी। दोस्तों, ये सारे लोग हैं जिनमें से कुछ कतरी भी शामिल है और कुछ बाहर के लोग भी शामिल है। तो फिलहाल दोस्तों, फिलहाल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन सभी पे कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो साथियों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप भी होम क्वारंटाइन है तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब साथियों, बात करते हैं हम लोग COVID-19 के ताज़ा अपडेट के बारे में। तो फिलहाल वहाँ पर अभी 116,111 लोग रिकवर हो चुके हैं यानी ठीक हो चुके हैं। 24 घंटा में 216 लोग फिलहाल ठीक हुए हैं। 24 घंटा में 1 लोग की मौत हुई और टोटल वहाँ पे 199 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटा में 4,997 लोगों का जांच किया गया, जिनमें से पॉजिटिव केस निकल कर आया 212। टोटल जो वहाँ पे जांच अभी तक हुआ है 639,742 है। टोटल जो वहाँ पे एक्टिव जो केस है वो 2,896 है। ICU में दोस्तों 24 घंटे के अंदर 2 लोग गए हैं, टोटल वहाँ पे ICU में जो है वो 60 लोग हैं। नंबर ऑफ एक्यूट हॉस्पिटल 24 घंटे के अंदर 31 लोग गए हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्यूट हॉस्पिटल वो है 382। दोस्तों, यदि आपको कोई भी स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम होता है तो 1600 पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत मेडिकल सहायता दी जाएगी, वो भी गवर्नमेंट द्वारा। तो ये पूरी अपडेट थी दोस्तों COVID-19 की, और ये कुछ खबर थी जो कतर से आ रही थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को कतर की जानकारी हो सके। तो मिलते साथ ही नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।